बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक तो परदेशियों के लिए मैं बोलता हूँ बेहतरीन सहूलत दी गई है यार हमें। अच्छा, वैसे ऐसी सहूलतें ना सऊदी गवर्नमेंट ही हमें दे रही है, ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान अच्छा नहीं है। यार पाकिस्तान हमारा कंट्री है, हम वहाँ पर पैदा हुए हैं, हमारा देश है, हमारा मुल्क है। यार पाकिस्तान जैसा तो कहीं मुल्क ही कोई नहीं है। यार मैं बोलता हूँ कि हम अगर मिसाल के तौर पर हंडी में अपनी जो हम सालन बनाते हैं उसमें प्याज डालते हैं, थोम डालते हैं, सब्ज़ी डालते हैं, पानी डालते हैं, सारा हमारा अपना उगाया हुआ है पाकिस्तान का। और सऊदी तो ये सारी चीज़ें भाई बाहर से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक बेहतरीन किस्म की ऑफ़र परदेशियों के लिए है जी। ऐसी ऑफरें ना, मैं ये बात क्यों कर रहा था, ऐसी ऑफरें ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी हमें देनी चाहिए, ऐसी सहूलतें गवर्नमेंट को भी हमें देनी चाहिए। मिसाल के तौर पर एक बंदा दूसरी कंट्री से पाकिस्तान आया हुआ है छुट्टी के तौर पर, तो चाहिए ना उसको कि आप उसको एक मोबाइल फ्री करें। भाई तू एक मोबाइल अपनी फैमिली के लिए लेके आ, जिसको मर्ज़ी दे वो फ्री चलेगा, आपके पासपोर्ट के ऊपर एक मोबाइल अलाउड है, उसमें कोई किसी किस्म का टैक्स वाला मामला नहीं होगा। नंबर दो, आप अपने पासपोर्ट से, मिसाल के तौर पर मैं पाकिस्तान आ गया हूँ, मैंने शनाख्ती का रीन्यू करवाना है, तो अगर मैं ओवरसीज़ हूँ यानी कि परदेसी हूँ, तो भाई पासपोर्ट लेकर जाऊँ साथ में, वहाँ पर मुझे किसी लाइन में ना लगना पड़े, सीधा जाकर मैं पासपोर्ट दिखाऊँ और वो मेरा उसी टाइम शनाख्ती कार्ड ओके करें और चंद दिन के अंदर मुझे शनाख्ती कार्ड मिले। क्यों भाई, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानियों का सरमाया है यार हम, हकीकत में गवर्नमेंट के लिए सरमाया है हम, सीधी बात है, फैमिली के लिए भी हैं। तो ये बात इसलिए कर रहा था, ये एक बेहतरीन सहूलत सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से हमें दी गई है। अच्छा, बात और तरफ ही चलती जाएगी ऐसी सहूलतों के मतलब अगर बात करते जाएंगे पाकिस्तान में तो। अच्छा, न्यूज़ ये है जी कि इसमें 10 लाख रियाल का भाई इनाम भी है, फिर साथ में 5 लाख रियाल का इनाम भी है, नंबर 3 2.5 लाख रुपए का इनाम भी है। पहले आपको मैं इनाम के मुतल्लिक ही बता दूं, ये उन बंदों को, उन इदारों को इनाम दिया जाएगा बकायदा। ये बात नहीं है भाई जो आपको बता रहा हूँ मैं, ऐसे सुनी सुनाई बात है नहीं, ये कन्फर्म न्यूज़ है वजारत उम्रा और हज की तरफ से, ठीक है। इसमें फर्स्ट जो इनाम है 10 लाख रियाल का, ये उस इदारे को दिया जाएगा, चाहे वो किसी गैर मुल्की का है, चाहे किसी सऊदी का है, जो उम्रा और हज पर आने वाले ज़ायरीन को बेहतरीन किस्म की सहूलियत देगा। अच्छा, इसमें सहूलियत कौन सी है? सहूलियत यही है ना कि होटलिंग का निज़ाम है बेहतरीन देगा, होटल की सर्विस बेहतरीन देगा, मस्जिद नबवी या हरम शरीफ खाने काबा आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट बेहतरीन देगा, खाने पीने का लिहाज ख्याल करेगा। इसमें कोई भी इदारा हो सकता है, इसमें यह भी इदारा हो सकता है कि आप उम्रा ज़ायरीन को गाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक ट्रिप मंगवाया है उम्रे का, यानी कि लोगों का एक ग्रोह मंगवाया है, आपने जद्दा से उनको पिक किया, बस में बिठाया, टैक्सी में बिठाया, मक्का लेकर गए, उम्रा किया, ज़ियारतें करवाई, गाइड किया, आप भी भाई इसी में शामिल होंगे। अच्छा, इसकी कुरानदाजी होगी, फर्स्ट आने वाले को वो तो जो उम्रा ज़ायरीन आएंगे उनसे वो पूछेंगे कि आपको इनकी सर्विस कैसी लगी, जिसके वोट ज़्यादा होंगे भाई उसी को इनाम मिलेगा। फर्स्ट 10 लाख है, सेकंड 5 लाख है, और तीसरे नंबर पर आने वाले को 2.5 लाख के, 2.5 लाख रियाल, भाई रियाल की बात कर रहा हूँ मैं, इनामत दिए जाएंगे। अच्छा, जो सहूलत परदेशियों को दी गई है वो ये है जी कि अब आप मस्जिद नबवी या हरम शरीफ। अच्छा, मस्जिद नबवी में मैंने वैसे ना कुछ वीडियो पहले भी देखी थी, लेकिन मैंने लाइव नहीं देखा, मैंने वीडियोस में एक दो में देखा था कि दुल्हन और दुल्हा बैठे हुए हैं और मस्जिद नबवी के बिल्कुल सामने उनका निकाह पढ़ाया जा रखा है, शायद आपको एक आध पिक्चर वगैरह में कोई दिखा रहा हूँ मैं, मैंने लाइव नहीं देखा था, किसी भाई ने लाइव देखा हो या हुआ हो तो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, अभी ये है जी कि मस्जिद नबवी और हरम शरीफ यानी कि मक्का अल मुकर्रमा, यहाँ पर आप चाहे गैर मुल्की हैं चाहे सऊदी हैं, गैर मुल्कियों के लिए मैं सहूलत बोलूँगा, सऊदियों को तो पहले ये सहूलत थी भाई, तो अभी आप खाना काबा यानी कि यहाँ पर भी बैठ कर और मस्जिद नबवी में भी बैठ कर, आप सऊदी में रहते हैं तब भी, आप यहाँ से उम्रा पर गए हुए हैं तब भी, आप वहाँ पर ही मुकीम हैं, आप वहाँ पर ही अपनी बेगम को यानी कि जिसके साथ आपने शादी करनी है उसको विज़िट के तौर पर बुलवा लेते हैं और वहाँ पर ही आपका निकाह पढ़ दिया जाएगा, आप अपना निकाह पढ़ा सकते हैं भाई, और बकायदा रजिस्टर के साथ यानी के, और उसके बाद यानी कि मस्जिद नबवी के सहन में बैठ कर, हरम शरीफ के सहन में बैठ कर कहीं भी आप अपना निकाह पढ़ा सकते हैं। इसमें कुछ मेरे परदेसी ऐसे भाई हैं जिनको एक बेहतरीन सहूलत है जी, वो चाहे अपनी फैमिली बुलवा लें, चाहे जिनकी शादी नहीं हुई है वो अपनी यहाँ पर ही शादी कर सकते हैं। वो कौन से परदेसी भाई हैं? वो हैं जी जिनके इकामे एक्सपायर हरूब था या
कोई भी किसी किस्म का और मसला था। अभी आप बोलेंगे भाई वो कैसे, सुन लें, आपने कंपनी के ऊपर कफील के ऊपर केस किया हुआ है, अब भाई केस चल रहा है, 6 माह हो गए, 1 साल हो गया, केस कुछ केस ऐसे होते हैं थोड़े लंबे भी चले जाते हैं, तो भाई वो बंदे भी ये काम कर सकते हैं कि अभी केस चल रहा है मैं जा तो सकता नहीं हूँ वापस, तो आप अपनी फैमिली को बुलवा सकते हैं, आप जिसके साथ आपकी शादी होने वाली उसको भी बुलवा सकते हैं, वहाँ पर ही निकाह आपका पढ़ा जाएगा और वहाँ पर आप 2 माह 4 माह जितनी देर आप उनको विज़िट के तौर पर अपने साथ भी रख सकते हैं।